पटना में विपक्षी खेमे की हो रही बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। इसे लेकर झारखंड में भी सियासी प्रतिक्रिया सामने आई है। जेएमएम के नेता मनोज पांडे ने कहा कि लोकतंत्र को बचाना है, लिहाजा तमाम विपक्षी पार्टियां एक हो रहे हैं। क्षेत्रीय दलों की महत्वाकांक्षा के आड़े आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि तमाम दलों को अपनी महत्वाकांक्षाओं को पीछे करके लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी का जादू नहीं है, लिहाजा बीजेपी कुछ एक राज्यों में ही चुनाव जीत सकती है। लक्ष्य सत्ता प्राप्ति का नहीं है, लक्ष्य लोकतंत्र को बचाने का है, लक्ष्य हिटलर शाही को खत्म करने का है, लक्ष्य संविधान को बचाने का है, देश को बचाने का, इस देश की सीमाओं की रक्षा करने का है, महंगाई को कम करने का है, भ्रष्टाचार को खत्म करने का है। इतने बड़े लक्ष्य के सामने अगर हम लोगों की जो छोटी मोटी राजनीतिक एक ख्वाहिश होती है उसको दफन करना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं दबाना पड़ेगा, तब हम एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जीवन सैक्रिफाइस के लिए तैयार सभी दल को अपने छोटे मोटे हितों को नजरअंदाज करना होगा, और तो मुझे लगता है सभी लोग इस मूड में हैं। नहीं तो कांग्रेस ने तो अपना त्याग दिखा दिया कि 9 सीट पर हमारी दावेदारी है लोकसभा चुनाव के लिए, राज्य में 9 मेरा, 4 आपका और 1 आरजेडी का। दावेदारी करना गलत बात नहीं है, दावेदारी हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हम लोग भी बोलते हैं कि 14 का 14 सीट पर लड़ेंगे, भावना है हमारी ऐसी, लेकिन भावना से काम नहीं चलता। हमें देखना है कि कैसे हम फांसीवादी शक्तियों को परास्त करना है, उसके लिए कुछ कुर्बानी देनी होगी, दिया जाएगा, सीट कितना होगा हमारे हिस्से में यह तय हमारा आलाकमान करेगा, और मुझे लगता है कि कांग्रेस के आलाकमान ने। झारखंड बिहार की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 24 को, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज़ 24 ऐप। गढ़वा के भवनाथपुर से आए मजदूरों का बोकारो स्टील प्रशासनिक भवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। 24 घंटे से अधिक वक्त बीत जाने के बाद भी बोकारो स्टील के अधिकारियों ने इन मजदूरों की सुध नहीं ली है। कोई भी अधिकारी इनसे वार्ता करने तक नहीं पहुंचा। महिला मजदूरों ने पारंपरिक गीत गाकर प्रबंधन को अपनी समस्या सुनाई। सेल बोकारो स्टील की तरफ से गढ़वा के भवनाथपुर स्थित तुलसी दामर में संचालित डोलेमाइट खदान और चूना पत्थर खदान को 16 फरवरी 2020 को बंद कर दिए जाने के बाद मजदूरों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। दोनों ही प्लांट में 3000 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे। मजदूर अपनी मांगों को लेकर गढ़वा से चलकर बोकारो स्टील प्लांट के प्रशासनिक भवन के सामने पहुंचे और खदान को खोलने की मांग करते हुए उचित राशि की भी मांग रखी है। तुलसी दामार जो माइंस में घाघरा माइंस में काम कर रहे हैं, ना हमको कुछ किया नहीं कहा साहेब, जो बंद होगा चाहे नहीं होगा चाहे आप मत काम करो, ऑटोमेटिक काम बंद कर दिया। और ना हमको कुछ मजदूरी मिला, ना कुछ हमको सूचना मिला, इस चलते हम बोकारो आए हैं। क्या चाहते हैं? हमको जो है माथी मजदूरी वो देवे, आपने तो फिर माइंस चालू करे, ये तो ये वो नहीं देगा तो क्या करेंगे, यही मुड़ी पटक के मरेंगे डीजीएम के दुहारी पर, यही रहेंगे, यही रह जाएंगे, जब क्या करेंगे घर पर जाते, भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, बाल बच्चे हम लोग का तड़प तड़प के मर रहे हैं। माइंस मेरा चल रहा था तुलसी धामर घाघरा भनाथपुर क्षेत्र में, वो माइंस बंद कर दिया गया, कोई नहीं मैया के लाल हुआ खोलवाने बदी तैयार नहीं हुआ, हम लोग के बिना कहे पूछे बिना सूचना के बिना अधिकार के हम लोग के माइंस बंद कर दिया गया, 5 रुपया अभी तक नहीं मिला, जोहते रह गए कि अब आएगा अब देगा अब खोलेगा अब देगा, तो पर में भी कहीं कुछ नहीं हुआ, और नहीं होने के बाद अजीज होकर के बहुत जगह दौड़ गए, गढ़वा जिला में दौड़े, SDO भी गए, DC भी गए, DSP भी गए, बहुत मन पहुँच गए हम लोग, लेकिन अजीज होकर के सेल में आ गए हैं।